बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो प्रोजेक्ट जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों ग्राफ विधि से ग्राफिकल मेथड से जो ग्राफिकल मेथड होती है ग्राफ विधि होती है। इस ग्राफ विधि से हम गति के तीनों समीकरणों की स्थापना करेंगे। ग्राफ विधि से गति के तीनों समीकरण की स्थापना हम करेंगे। तो पहला हमारे पास गति का जो समीकरण होता है एक बटे यू प्लस ए डी होता है, जहाँ यू जो होता है वो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी होता है, बी अंतिम वेग होता है फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन होता है त्वरण होता है और सी जो होता है टाइम होता है। यू इनिशियल प्रारंभिक वेग, बी फाइनल वेग अंतिम वेग, ए एक्सेलरेशन त्वरण और सी टाइम होता है। अब मान लो कि हमारे पास सपोज कि एक बॉडी है, एक वस्तु है, वो ए से चलना प्रारंभ होता है। ए उसका पॉइंट है, यहाँ से उसका इनिशियल वेलोसिटी हमने u मान लिया, यहाँ पर उसका वेग u मान लिया है और ये u वेग से जा रही है और धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है बढ़ता गया। ये जो हम टाइम एक्सेस लेते हैं और इधर वेलोसिटी एक्सेस लेते हैं समय और इधर वेग, वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं वेग और इस टाइम समय टाइम। तो हमारे पास ग्राफ जो होता है इस तरह से आता है, इस लाइन ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब समय के साथ वेग जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेग भी क्या हो रहा है बढ़ता जा रहा है। पहले वेग हमारे पास इतना ही था इस एक्सेस पे, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता गया मतलब वेग बढ़ता गया और यहाँ पर वेग इतना यहाँ पर हो गया वी वेग हो गया, पहले यू था और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसका वेग भी बढ़ता गया और यहाँ आते आते वी पॉइंट पर आते थे वेग वी हो गया। अब जो वे होगा इसको अपन यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस वी ही कहलाएगी, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी यू, ये टोटल डिस्टेंस वी टोटल लेंथ जिसको हम कह सकते हैं यहाँ से वी है और ये यू है। इस आधार पर हम जो है पूरे टाइम एक्सेस है, तो यहाँ से उसको यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हमने टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ तक का टाइम टी मान लिया है, ये टी मान लिया हमने के टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम टी लग रहा है, तो इसको हमें टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो एक्स हम जो लाइन खींच रहे हैं जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो इसका जो इस एक्स से झुकाव होता है इंक्लिनेशन होता है और या कह सकते हैं इसका स्लोप होता है, स्लोप मतलब झुकाव, स्लोप झुकाव इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, झुकाव इसको प्रवणता भी बोलते हैं, प्रवणता ग्रेडियंट झुकाव इसको हम टेन थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। टेन थीटा ध्यान रखना, टेन थीटा या एम के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लाइन कितनी इस एक्सिस से झुकी हुई कितना एंगल बना रही है थीटा, उसको हम टेन थीटा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि टेन थीटा क्योंकि इसमें ज्ञात होता है टेन थीटा का पाने का परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है तो बेस ये वाली साइड होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में हम निकालेंगे। तो ये वेलोसिटी होती है और ये टाइम होता है, वेलोसिटी अपान टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपान टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज होती है। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास में आती है बी डी परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस वाली ये लाइन ए डी बी डी अपान ए डी। तो बी डी क्या है, बी डी है पहले वेलोसिटी कितनी थी यू, अब कितनी हो गई वी, ये वास्तव में चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेग में परिवर्तन, ये वेग में परिवर्तन है हमारे पास, अपान में टाइम दे रखा है टोटल टाइम टेकन, यहाँ से आकर जो टाइम दिया जाएगा टाइम टी, टाइम टी। तो जब भी हम टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर ये रहेगा बी डी यहाँ से बी है और ये बेस ये है बेस ए से डी ले लो या ओ से सी ले लो, ये दोनों इक्वल ही होंगे, तो ए डी हमने बेस ले लिया और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास वेग है वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेग बी डी वेग है, वेग चेंज इन वेलोसिटी है अपन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम जो होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है, ये त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा लिखो या बी डी अपन ए डी लिखो या चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम लिखो, तो यहाँ पर हमने बता रखा है कि ए इक्वल टू बी डी अपन ए डी। अब देखो बी डी किसके इक्वल है,
ये जो BD है ये हमारे पास AE के इक्वल है, दिख रहा है BD और AE इक्वल है, तो ये BD की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, BD इक्वल टू AE, BD ये BD और ये AE, BD और AE दोनों इक्वल, तो BD की जगह हमने AD AE पुट कर दिया, और AD किसके इक्वल है, देखो AD ये AD है, ये AC के इक्वल है, AD इक्वल टू AC, AC, तो हम BD की जगह AE पुट कर दिया, अगर AE लिख दिया और AD की जगह हमने OC लिख दिया, सॉरी OC, OC, ये OC लिख दिया, ये दोनों इक्वल है, AD और OC दोनों इक्वल है, इधर BD और AE इक्वल है, दोनों इक्वल कर, अब यदि AE की वैल्यू हम निकाले फाइंड करें, ये AE ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल V है, देखो हमने प्रदर्शित कर रखा ये पूरी वेलोसिटी V है और यहाँ तक की ये U है, O A U है और O E V है, तो क्या करेंगे अपने को, यहाँ से स्टार्ट होते हैं तो ये वैल्यू निकालना अपने को, तो क्या करना है O E में से A E को माइनस कर दो, हमारे पास O E है, हमारे पास ये पूरा O E है, उसमें से O A को माइनस कर दो, चेंजिंग वेलोसिटी आ जाएगी, तो हमने इनिशियली कितना माना था U, की समय पर चेक कितना हो जाए टाइम बाद V हो जाएगा, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दो, चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी, तो इक्वल टू क्या लिख दिया हमने V माइनस U अपॉन T, तो जब भी हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे तो चेंज इन वेलोसिटी निकल आएगी, तो हमारे पास V माइनस U अपॉन O C, O से C तक का जो टाइम एक्सेस होती है इसकी वैल्यू हमने टी मान ली, तो ओ सी की वैल्यू हमने टी पुट कर दी, टी पुट कर दी, अब इस टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, या यू को इधर जाओ प्लस कर दो यू प्लस ए टी इक्वल टू बी, या बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो जाएगी, तो इसमें ध्यान रखना है टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा क्या प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या चेंज इन वेलोसिटी और बेस क्या टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इसलिए इसको हमने एक्सेलरेशन लिखा ए लिखा, तो ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल यू था फाइनल वी है, तो यू वी में से यू को माइनस कर दे, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू अपॉन टाइम टी लिख दिया, टी का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो यू एट इक्वल टू बी माइनस यू, यू को इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा यू प्लस एट इक्वल टू बी, इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो जाएगी। अब हम सेकंड इक्वेशन आप क्वेश्चन निकालेंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये भी ग्राफ मेथड से ही अपने को इसको डेराइव करना है, तो अभी अपने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है यू वेलोसिटी से चल रहा है और यहाँ जाते हुए तो उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है बी पे, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी हमने यू माना है, यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी यू माना है और टोटल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक का वी मान लिया, फाइनल वेलोसिटी ये वी है, जैसे कि यहाँ ग्राफ में प्रदर्शित किया गया, ये वी है हमारे पास और ये यू है, ये यू है और ये पूरा वी है, अब ये जो एक्सेस होती है हमारे पास स्लोप होता है, ये यदि अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये मैथमेटिकल इस प्रकार से अपने को निकाला जाता है कि इसका एरिया निकालो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो निकालो, ये पूरा एरिया, ये एरिया निकालो, इसका जो डायग्राम जो बन रहा है, ये डायग्राम एक तरह से ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ये जो इस तरह से डायग्राम होता है वो कहलाता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है, ये वाला है, तो अब अपने को क्या करना है, जब भी इस तरह से कोई डिस्प्लेसमेंट निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो और तो उसका एरिया निकाल लो, तो ये यहाँ से यहाँ से केवल डिस्टेंस अपने को ज्ञात हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे कि जो आकृति बन रही है ये एक तरह से संलग्न चतुर्भुज होता है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा कि यहाँ से ये इस तरह से ये जो डायग्राम है वो संलग्न चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम का डायग्राम, ट्रेपेजियम इसको हम ओ ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ ए बी सी, अब यदि अपने को S का मान निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट का मान निकालना हो, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए समलंब चतुर्भुज का मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एक फार्मूला होता है जो कि हमने पढ़ रखा है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग इन दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी,
ये दो जो साइड्स होगी समांतर हो जाए, एक ये पैरेलल साइड है और एक ये वाली, एक कौन सी साइड है ओ से ए तक की, ये पैरेलल ये इसके पैरेलल बी सी से, बी सी के पैरेलल, इन दोनों का योग करना है। ए सी को लिखेंगे 1/2, समांतर भुजाओं का योग ये साइड प्लस ये साइड, यानी ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, ये ओ ए और ये बी सी दोनों पैरेलल साइड्स है, इनका सम कर दें इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ए डी ले लो या ओ सी ले लो, दोनों एक ही है, या तो ए डी ले लो या ओ सी ले लो, क्योंकि दोनों का मान कितना 3, पहले दोनों की 3 इंटू ए डी ले लिया। तो इस तरह से क्या करना, आपको फार्मूला रखना है, कौन सा फार्मूला, ट्रेपेजियम का समांतर चतुर्भुज ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, इसका एरिया निकालना, तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2, दो समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा मतलब पैरेलल साइड, एक साइड ये इसकी ट्रेपेजियम के दूसरी साइड ये, एक है ओ ए और दूसरी है बी सी, ओ ए प्लस बी सी, इन दोनों का सम करना इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए डी लिखो या फिर ओ सी लिखो, दोनों चीज़ हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बता रखा है ओ ए प्लस बी सी, ओ ए एक साइड ओ ए है और दूसरी साइड बी सी है, ओ ए प्लस बी सी और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ सी ले लो या फिर ए डी ले लो, दोनों इक्वल है, तो 1/2 ओ सी ओ ए प्लस ओ बी, ये दोनों का सम है पैरेलल साइड, ओ ए और बी बी सी, ये दोनों पैरेलल साइड्स का सम है और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है दोनों साइड की, वो ए डी ले लो या ओ सी ले लो, तो यहाँ पे ओ सी ले लो, हम भी ओ सी ले सकते हैं या ए डी ले सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, इनकी वैल्यू पुट कर दी 1/2 ओ ए, ओ से तक की क्या वैल्यू यू मानी हमने कंसिडर कर रखी, यू इनिशियल वेलोसिटी, बी सी, बी से सी तक की देखो, बी से सी तक पूरा ऐसे, इसकी वैल्यू क्या मानी हमने वी मानी, एनल वेलोसिटी वी है, इन टू ए डी, ए से डी तक की वैल्यू क्या है टी है, टाइम है, टाइम एक्सेस टी, इस तरह से हमारे पास भी आ जाएगा एस इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी इन टू टी, ये हमारे पास इस ग्राफ से हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी। अब क्या करना अपने को कि सेकंड इक्वेशन में वी का मान अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ वी नहीं आ रहा, वी देखो है नहीं यहाँ पर, वी यू है तो यू को हम रहने देंगे, और ये जो वी की वैल्यू है गति का जो फर्स्ट समीकरण पढ़ा था, गति का प्रथम समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन वी इक्वल टू यू प्लस एटी, यू प्लस एटी, तो इस वी की जगह इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट है उससे हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, गति का पहला समीकरण है उससे यहाँ से वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, एस इक्वल टू हमारे पास में 1/2 यू प्लस वी की जगह यू प्लस एटी लिखो, यू प्लस एटी इंटू टी, इंटू टी ये यू और यू टू यू, ठीक है 1/2 यू और यू टू यू हो जाएगा, टू यू प्लस एटी इंटू टी, टी का मल्टीप्लाई ना कर दूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस इक्वल टू 1/2 टू यू इंटू टी प्लस एटी का स्क्वायर, ये टू का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू यू, टू यू टी अपॉन टू प्लस 1/2 एटी का स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या है यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, इस तरह से इक्वेशन का मोशन सेकंड आ जाएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, ये गति का हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। करना क्या है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का फार्मूला बना एरिया का, दो समांतर भुजाओं का योग, ये रहे दो साइड जो होगी, एक साइड ये और एक साइड ये, ओ ए प्लस बी सी लिख देना, ओ ए प्लस बी सी, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी ये, दोनों साइड्स के बीच की दूरी ए डी लिखो या ओ सी लिखो, ए डी या ओ सी लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू पुट कर देना, ओ ए ओ से ए तक की यू है और ओ से बी से सी तक की दूरी हमें वी मानी, ये भी वी होगी, दोनों इक्वल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बी सी के लिए यू पुट कर दे, ओ ए के लिए यू, और ए डी देखो ए डी है टाइम की, तो ए डी की, फिर बी की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट से
वी के लिए भी यू प्लस ए पी लिखते, इसका अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया और टू से डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करें, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन होती है पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टू ए, ये इक्वेशन हम होता है थर्ड इक्वेशन। अब इसमें भी क्या निकालेंगे, एस की वैल्यू फाइंड करना। अब एस की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही क्या समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, कोई फार्मूलेशन एरिया निकालेंगे जो हमने फाइंड किया था, उसी फार्मूले से अपने को ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, फार्मूला मैंने लिख रखा है समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम का एरिया समांतर भुजाओं के योग गुणित समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो एस इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2, दो समांतर भुजाओं का योग OA प्लस BC, OA प्लस BC, ये दोनों पैरेलल साइड है इनके बीच की डिस्टेंस। अब इसमें हम OA और BC और AD की वैल्यू पुट कर देंगे, एस इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एस इक्वल टू 1/2। OA की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो O से A तक U माना हमने U, प्लस BC की वैल्यू देखो B से C तक B माना हमने B, इंटू टाइम T इंटू टाइम AD, A से B तक की डिस्टेंस जो हमने T माना AD। अब क्या कर रहे हैं, यू प्लस वी इसको 2 बाय से मल्टीप्लाई कर दें, ये रहेगा 2S इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी, टी को हमने इसके अपान में लिखे 2S/T इक्वल टू यू प्लस वी, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा था गति के समीकरण, फर्स्ट प्रथम समीकरण फर्स्ट इक्वेशन B इक्वल टू यू प्लस AD, ठीक है, B माइनस इसको यू को इधर जाएगा, B माइनस यू इक्वल टू AD, इसको AD इक्वल टू B माइनस यू इक्वल टू टू, इसको AD मैंने इधर दिया, B माइनस यू को हम उस साइड पर लिख दिया, ये इक्वेशन टू होता है। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू समीकरण एक समीकरण समीकरण का गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर इसका और इसका, तो क्या रहेगा 5T इंटू AD इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करें दोनों को उस साइड का, यू प्लस बी और बी माइनस बी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपका टी से टी कैंसिल, 2AS इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ फार्मूला का देंगे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर हो जाएगा, इस यू स्क्वेयर को इधर जाओ, यू स्क्वेयर प्लस 2AS इक्वल टू बी स्क्वेयर, आया इसको इधर लिखो चाहो तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, बी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2AS। इस तरह से इक्वेशन नाम हो सकता थर्ड आ गया, करना क्या है फार्मूला लगाना, दोनों साइड्स का योग करना सम करना, OA प्लस BC, OA की वैल्यू यू, BC की वैल्यू बी, यू प्लस बी, AD टाइम T वैल्यू पुट कर दे, फिर क्या करना आपको 2 का मल्टीप्लाई था और T को नीचे जाएंगे तो यू प्लस बी की वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगी। आप इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाना, वी इक्वल टू यू प्लस AD गति का पहला समीकरण, यहाँ से वी को यू को उधर ले आए तो माइनस वी हो जाएगा इक्वल टू AD, AD को उधर लिखो वी माइनस यू को उधर ले, तो ये दोनों इक्वेशन बना ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना इसका और इसका, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2AS आ जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे और यू इसको हम इधर साइड चेंज कर देंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर को यू स्क्वायर प्लस 2AS आ जाएगा। इस तरह से गति के तीनों समीकरण को ग्राफिक विधि से हमने प्रूव किया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।